है गांधी मैदान भाई, भीड़ है यार, लाख से भी ज्यादा आदमी नजर आ रहा है यार यहाँ से, एंड इस साइड से भी आदमी है, एंड डिज्नीलैंड के अंदर भी और आदमी होगा। अभी भीड़ है भाई, चार लाइन में एंटर कर रहा है और एक लाइन में बाहर जा रहा है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू मिनी ब्लॉग। अभी हम तीनों को जा रहे हैं यार दशहरा घूमने के लिए, तो हजारीपुर चलेंगे। आई होप आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो चलते हैं। तो तीनों को निकल गए हैं यार घर से, सुबह से परेशान थे, मतलब पानी 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 इतना पड़ा है यार, सुबह से पानी पड़ पड़ता, जाने का तो मन ही बिल्कुल ही नहीं था। मस्त धूप हो गया है एंड मौसम पूरा फ्रेश हो चुका है एंड अभी निकल चुके हैं घर से, कोई और नहीं निकला, लेकिन हम लोग तीनों को निकल गए घूमने के लिए। चलते हैं, मजा लेते हैं दशहरा का। फाइनली हजारीपुर पहुँच चुके हैं गाइस, एंड पानी भी स्टार्ट हो गया यार, पूरा भीड़ काफ़ी कम है, पहले के मुकाबले भीड़ काफ़ी कम है। चलते हैं अंदर, अब अंदर में लग रहा है हाँ भीड़ है यार, काफ़ी भीड़ है। ये है गांधी मैदान, हजारीबाग का मेन इलाका। चलो चलो अंदर चलो। ये है पंडाल का लुक, वैष्णो देवी वाला लुक लग रहा है गाइस। चलिए अंदर चलिए। चले आगे चले, अच्छा पटवारी से निकल चुके गए थे, अभी कोरा चौक पहुंच रहे हैं। ये है मेन चौक, एंड कैमरा हम रोटेट करते हैं उसको अच्छा से दिखेगा। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कोरा चौक, एंड दिखाते थे चलिए एंटर कीजिए। क्या बात है? क्या बात क्या है प्रभु? आप तो अनंत निद्रा में खोए और पिछले लोक में आप ही के मंदिरों में आप ही के भक्तों पर अत्याचार हो रहा है, ये सब मुझसे देखा नहीं गया प्रभु, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब तो आप ही को उपाय कीजिए प्रभु। चला जाए काफी अच्छा लग रहा है। तो गांधी मैदान घूमने के बाद गाइस, काफी भीड़ था भाई, इतना ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा ही भीड़ था। भैया लोग का भी अंडा खाने का मन किया है, तो दो दो बॉयल्ड एग खाएंगे उसके बाद निकलेंगे, एंड जाते वक्त रास्ते में बहुत सारा पंडाल है तो सबको देखते हुए चलेंगे। तो आई होप आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, एंड आगे चलते देखते हो जाए। सिंदूर चौक, ये सिंदूर चौक है गाइस। इतना भीड़ नहीं है, गांधी मैदान जैसा भीड़ इधर कहाँ मिलेगा।
ये है सिंदूर चौक का एंड ये लास्ट वाला बचा हुआ गाइस। ये हमारा टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा के जस्ट बगल में ही बना हुआ है जी, नागमा टोल प्लाजा। नागमा का ही है तो मतलब ये चलो। तो फाइनली इस ब्लॉग को करते हैं एंड, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।